इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद से असलहों के बल पर बलात्कार का प्रयास, पुलिस ने दर्ज नहीं की कोई कार्रवाई, पीड़ित परिवार का शांति भंग कर दिया चालान, पीड़िता ने लगाई कप्तान से न्याय की गुहार। जी हां, यूपी के बदायूं में खाकी का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसे सुनकर लोगों का खाकी पर से विश्वास ही उठता जा रहा है। घर में अकेली महिला को देख मनचले असलहे लेकर घर में घुस गए और महिला से रेप का जबरन प्रयास किया। वहीं पुलिस ने पीड़ित परिवार को ही शांति भंग की धाराओं में जेल भेज दिया। घटना से गांव में सनसनी फैल गई और चर्चाओं का बाजार गर्म है। कोतवाली बिसौली क्षेत्र के एक गांव में महिला के साथ तमंचे के बल पर तीन लोगों ने दुष्कर्म करने की कोशिश की। परिजनों की माने तो महिला घर में सो रही थी, सास व देवरानी छत पर सो रही थी। परिवार के अन्य लोग रिश्तेदारी में दावत खाने गए थे। वहीं अकेली महिलाएं होने पर गांव के ही तीन लोगों ने घर में सो रही महिला को चारपाई पर दबोच लिया, तमंचा दिखाते हुए उसे बलात्कार का प्रयास किया। शोर सुनकर छत पर सो रही महिला जाग गई और उन्होंने एक युवक को पकड़ लिया, जबकि दो साथी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। परिजनों ने तुरंत ही डायल 112 को फ़ोन किया। पुलिस युवक को कोतवाली ले गई, जिसे बाद में उसे छोड़ दिया और पीड़ित परिवार के दो लोगों का शांति भंग की धाराओं में चालान कर उन्हें जेल भेज दिया, जिससे पीड़ित परिवार डरा हुआ सहमा हुआ है। पीड़िता ने एसएसपी से शिकायत कर उक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। देखें इस संदर्भ में पीड़िता ने क्या कुछ कहा। हमारे घर में तीन जने घुसे आए थे, समझ लो चलते जोरदस्ती पड़ गया, हमारे सिर पे तमंचा रख दिया। तमंचा रखने के बाद समझ लो शोर सवार करा, बदतमीजी करी हमारे संग में। तो हमारे सब लोग घर वाले के क्या कर, मैं क्या आई तो सब लोग आ गए घर पर। तो दो जने तो भाग गए, एक जने रह गए। तो समझ लो हम कार्रवाई करने ब्राउन तक गए, बार कार्रवाई नहीं सुनी हमारी, और उल्टा हमारे आदमी को पकड़ लिया गया। समझ लो दो जने हमारे जेठ को पकड़ लिया, हम आदमी पकड़ लिया और उन पर पुलिस वालों ने उल्टा दावा कर दिया उन पर। समझ लो अब बदाव तक गए, उन्हें किसी ने कार्रवाई नहीं सुनी हमारी, बदाव जाके उन्हें छोड़ दिया। किने किया? उन लोग को छोड़ दिया, बीरेश लोग को, बीरेश, बसंत और विजय।